गुड इवनिंग गाइस, वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग दिस पार्ट ऑफ द ईयर विद देयर लव्ड वंस। सो 2022 इज ऑन द वे एंड डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू मेक इट अ ग्रेट ईयर। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर गोल्स फॉर 2022 एंड वेदर दे आर ट्रेडिंग गोल्स और लाइफ गोल्स। लेट्स कनेक्ट टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर अचीव देम। I was just planning to go out and eat something good, enjoy my day and celebrate. So before going out, I'm making this video to help each and everyone out there in some way or the other. So do share with me what you are eating today, where you are going today and how you are celebrating your vacations. So now let's start with the video, and this video will be about, I will be going to help you with your ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स एंड लेट अस डिस्कस अबाउट फ्राइडेज मार्केट्स एज वेल। तो फ्राइडे का मार्केट, एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी जो थर्सडे को बनाई थी मार्केट्स ने, यू विल गेट अ गुड मोमेंटम। एंड सेम हैपेंड इन द मार्केट्स। फर्स्ट कैंडल ओपन आउटसाइड द रेंज एंड इट फेल्ड टू क्लोज आउटसाइड द रेंज, मतलब कि ऊपर की साइड पे ये रेंज के बाहर बंद नहीं हो पाई। इट ओपन आउटसाइड द रेंज बट बंद नहीं हो पाई एंड अंदर आके बंद हुई। रीटेस्ट किया रेंज के हाई को, देन नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दिया। उसके बाद जैसे ही रेंज ब्रेक डाउन हुआ, इधर यू कुड हैव टेकन योर एंट्रीज जैसे ही रेंज ब्रेक डाउन हुआ 5 मिनट्स पे, एंड उसके बाद मार्केट्स प्लंज। एंड ये गुड एंट्री होती, 100 पॉइंट्स आपको डाउन साइड पे इजिली मिल जाते। Then later on, I personally expected कि markets थोड़ा सा ऊपर जाके again नीचे आएगा। एक sell on price day I expected in the markets, but market में short covering आई and again markets ऊपर गए and 17,000 के आसपास क्लोज हो गए। 15 मिनट पे अगर अपन चार्ट देखे तो पहली जो दो कैंडल्स थी they were bearish candles and open was equal to high, so I expected that sell on rise रहेंगे markets and बट येस्टरडे ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट्स यहाँ पे अगर रीटेस्ट भी करेंगे देन अगेन दे विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, बट यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला सेलिंग का। ऐसा कोई प्राइस एक्शन सिग्नल नहीं मिला कि अपन को सेलिंग करनी चाहिए 17,030 पे। सो यू कुड हैव अवॉइडेड दैट दिस वन ट्रेड एंड यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वॉज इंटरेस्टिंग एंड ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे लगा था निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो रेंज में थी एंड मुझे लगा एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी सी कैंडल बनी थी। ओपन इट वाज इक्वल टू हाई, देन अगेन रीटेस्ट दिया और प्रीवियस डे लो जो था, जो अपन ने थर्सडे को बनाया था, बैंक निफ्टी गेव अ ब्रेक डाउन और उसके बाद एक मैसिव फॉल आई अराउंड 400 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक बड़ी मूव कैप्चर कर सकते थे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी वॉज बेटर ट्रेड देन निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेंडिंग थी फ्राइडे को एंड समथिंग विच यू ऑल कैन लर्न फ्रॉम। तो ये दो ट्रेड्स थी जिसमें आप लोग पैसा कमा सकते थे ऑन फ्राइडे। ये बैंक निफ्टी का सिंपल ब्रेकडाउन था प्रीवियस डे लो का एंड निफ्टी का रेंज ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। तो जिसने भी ये ट्रेड ली है दे कैन टेल मी इन द कमेंट्स कि हाँ हमने एग्जीक्यूट की थी ये ट्रेड एंड वी मेड मनी ऑन द रेंज ब्रेकडाउन ऑफ निफ्टी और प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन ऑन बैंक निफ्टी। सो लेट मी नो अबाउट दैट। अब एक स्टॉक मैंने आपसे शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे भी, सो मेक श्योर यू आर ऑन आर फ्री टेलीग्राम चैनल। मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया था लास्ट में वीकली ब्रेकआउट अनुपम रसायन। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें एक ब्रेकआउट आया है। मल्टीपल टाइम्स के जोन टेस्ट हुआ था ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड नाउ इट हैज गिवन अ क्लियर ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। तो इसको वॉच लिस्ट में रखो एंड कीप ट्रैकिंग दिस स्टॉक, मे बी ये आपको अच्छे रिटर्न दे कमिंग डेज में, तो यू कैन एड इन योर वॉच लिस्ट। Now let's talk about, मैंने आज आपको एक मैसेज किया था कि ping me about your trading problems so that we can solve them and कुछ trading problems जो मुझे common लगी, let me share. So first thing is not following stop loss, second thing is how to trail stop loss and third thing is what is trading system. So let me give my guidance over these three doubts or problems that you have, okay.
तो आई मेड समथिंग फॉर यू ऑल एंड दैट इज दिस स्टोरी ऑफ थ्री ट्रेडर्स बाय चीकू चार्ट्स। ओके, तो ट्रेडर वन, लेट मी टेल यू अबाउट ट्रेडर वन। कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉलोज प्राइस एक्शन फॉर एंट्री एंड एग्जिट, यूजेस बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज, डिसिप्लिन टू फॉलो रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एक्सेप्ट मिस्टेक्स। कैपिटल यूज्ड एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे एक स्मॉल प्रॉफिट, यहाँ पे एक गुड प्रॉफिट, और ये कुछ छोटे छोटे लॉस हैं, कुछ ब्रेक इवंस हैं, एंड ओवरऑल इज एबल टू मेक गुड नेट रिटर्न्स ऑन हिज कैपिटल। अब ये ट्रेडर टू है, ही फॉलोज प्राइस एक्शन फॉर एंट्री एग्जिट, यूजेस बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी, नॉट डिसिप्लिन टू फॉलो रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड नो लर्निंग। अब गाइज आपकी क्वेरी ये है कि वी आर नॉट फॉलोइंग आर स्टॉप लॉस एंड वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू फॉलो स्टॉप लॉस। मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता या फिर आपको पता नहीं है आपको स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फॉलो स्टॉप लॉस। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ रीजंस जिस वजह से आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे होंगे या फिर आप उसको लगाने के बाद फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, हटा देते होंगे या जो भी है। ओवरऑल आप एक स्टॉप लॉस को मान नहीं रहे, तो क्या मतलब लॉसेज है ऐसा करने से क्या होगा, एंड ओवरऑल ओवर टाइम क्यों आप ट्रेडिंग में फेल हो जाओगे अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं मानोगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि अब एक स्विंग ट्रेड ली थी येस बैंक में 400 पे, 2-15 रुपए आ गई तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए क्योंकि शेयर जीरो हो जाएगा, नहीं तो कभी कोई चांस है कि शेयर जीरो भी हो जाते हैं, DHFL जीरो हो गया, ये हो गया। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि कौन से शेयर जीरो हो चुके हैं मार्केट में और कौन से नहीं हो चुके हैं। एंड ऐसा भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम होल्ड करते हैं तो शेयर बाद में ऊपर आ जाता है एंड लॉस क्यों एक्सेप्ट करें। तो देर इज नो मतलब कि इस बात के अगेंस्ट भी मैं नहीं जाना चाहता कि ऐसा नहीं होता, होता है। गुड स्टॉक लोगे या फिर एवरेज स्टॉक भी लोगे तो लेटर ऑन कंपनी थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगी तो वापिस से वो स्टॉक ऊपर आ जाएगा, तो देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट तब भी ऐसे क्यों मानना चाहिए जब अपने को पता है कि वो स्टॉक लेटर ऑन वापस से ऊपर भी आ सकता है। 800 पे लिया, 720 आ गया, पता है कि वापस 800 से ऊपर फिर भी आ जाएगा, तो भी क्यों काटना चाहिए, क्यों एसएल को फॉलो करना चाहिए वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड ली, 10 ट्रेड में 1 लाख की कैपिटल यूज करके इतना बना लिया। ये सब चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फॉलो करता है, डिसिप्लिन है, रूल्स रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। अब दूसरा जो ट्रेडर है, नॉट डिसिप्लिन टू फॉलो रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ इसको प्राइस एक्शन आता है एंट्री एग्जिट के लिए तो एंट्री एग्जिट तो कर लेता है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी मतलब एग्जिट के लिए से स्टॉप लॉस भी पता है और बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी भी है, मतलब स्ट्रैटेजी भी पता है कैसे करना है, बट रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा, सीख नहीं पा रहा है अपनी गलतियों से। अब इसके साथ क्या हुआ, इसने 3 ट्रेड ली और उसमें से एक अनरियलाइज्ड लॉस दिख रहा है, ठीक है, और टोटल 5,000 बना लिए इसने और ये अनरियलाइज्ड है, और 2 रियलाइज्ड 18,000 का इसको प्रॉफिट हो चुका है। अब इसने 3 ही ट्रेड ली, ठीक है, तो एक जो डिसएडवांटेज आपके साथ होगा अगर आप एसएल नहीं फॉलो करोगे तो दैट थिंग इज कि जैसे आपने कोई स्विंग ट्रेड ली है, अब आपने एसएल फॉलो नहीं किया तो ठीक है आपकी स्विंग ट्रेड आपके अकाउंट में रहेगी, मे बी ओवर टाइम वो वापस से ऊपर आ जाए। आपने 800 पे कोई स्टॉक लिया हो, 720 चला गया हो सकता है वापस से 810 आ जाए, 820 आ जाए, 830 आ जाए और आप उसे काट दो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे एक बैड थिंग जो मैं बताता हूँ आपके साथ होगी वो ये है कि आपने 800 की चीज को 700 देख लिया, मतलब 100 रुपए नीचे देख लिया, और जब वो 820 आया यू आर इम्पेशेंट टू होल्ड, और जब वो ऊपर आएगा तो आप 820 में उसे काट लोगे। तो मतलब आपकी जो रिस्क है फर्स्ट ऑफ ऑल वो 100 रुपए की आपने देखी उस पे एंड यू आर एबल टू मेक ओनली 20, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अगर एक भी फेलियर हुआ, एक भी बड़ी ट्रेड में लूज किया आपने अपना पैसा, तो स्टिल यू विल रिमेन इन नेट लॉस ओनली। अब ये रीजन है कि जैसे आपने लेट अस सपोज आपने सारे अच्छे शेयर लिए हैं, वो नीचे आए 800 से 700 गए तब नहीं काटा, जब वो 700 से 820 गए तब काटा, बट अगर एक भी शेयर ऐसा हुआ जो 800 से 400 आ गया, 800 से 300 आ गया और वो वापिस 800 तो गया ही नहीं, फिर वो डाउन ट्रेंड में ही रह गया 800 से 300, 300 से 500, 500 से 400,
तो आप अपनी उस कैपिटल को कभी निकाल ही नहीं पाओगे। आप जैसे आपको दिख रहा है एक अनरियलाइज लॉस पड़ा है और इसमें इसकी कैपिटल भी अटकी हुई पड़ी, तो ट्रेड ही नहीं कर पा रहा आगे, ट्रेड ही नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या फायदा हुआ? मतलब अगर आपने SL फॉलो नहीं किया तो आपकी कैपिटल भी तो ब्लॉक होगी। लर्न अबाउट दैट। उस बंदे ने कैपिटल ब्लॉक नहीं की, जो छोटा मोटा लॉस हुआ ट्रेल किया अपना स्टॉप लॉस, और जो भी लॉस हुआ वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ जो हुआ पूरा एक्सेप्टेड एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, मूव ऑन किया, दूसरी ट्रेड ली, उसमें कमा लिया, कोई बात नहीं, तो भी नेट रिटर्न बन गया। अब इसने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, होल्ड कर लिया, तो एक अनरियलाइज P&L बन गया और वो कैपिटल भी ब्लॉक हो गई। अब अगर वो लॉस बुक कर लिया होता सही टाइम पे, तो हो सकता है ये वाली जो कैपिटल है इसका बेटर यूज ले पाता, 1-2 हज़ार का लॉस बुक करके दूसरी में लगा देता और वहां पे 2 ट्रेड लेके कवर हो जाते, एंड मे बी उस कैपिटल को यूज करके बड़ा प्रॉफिट भी बन जाता। तो अगर कैपिटल होगी तो चांस रहेगा कि आपके बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बट अगर कैपिटल ही ब्लॉक हो जाएगी तो फिर वो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस में चलता रहेगा एंड टाइम वेस्ट होगा। सो बेसिकली इट इज नॉट ओनली स्टॉप लॉस, आपको ये भी समझना होगा कि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू और योर टाइम। मतलब कि अगर आपका पैसा किसी चीज में पड़ा है, स्टिल ओवर टाइम इट विल द वैल्यू विल गो डाउन ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू या फिर आपका टाइम मोर इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आई फील दैट पैसा और कमाया जा सकता है बट टाइम विल स्टिल रिमेन लिमिटेड इन लाइफ, तो उस हिसाब से थिंक अबाउट स्टॉप लॉस। अब Trader 3 है, नो डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट, नो लर्निंग, नो बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, डू नॉट नो अबाउट प्राइस एक्शन। अब ये तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, प्राइस एक्शन भी नहीं आता, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन भी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है और लर्निंग भी नहीं है। तो अगर इस स्टेज पे हो आपकी, मतलब इस स्टेज में फंसे हुए हो कि आपको कुछ भी अभी लर्निंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो प्लीज पहले लर्न करो, कम कैपिटल के साथ मार्केट में जाओ, छोटी कैपिटल को यूज करो, एक स्मॉल अकाउंट बनाओ, उसमें गलतियां करो, सीखो और छोटी कैपिटल से ही खोके सीख लो, दैट इज बेटर, एंड ये सब चीजें लर्न कर लो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी आने के बाद अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब प्रॉफिटेबल तो ये भी दिख रहा है बट इसके पास अब कैपिटल ही अटकी हुई है, तो ये आगे कमा पाएगा या नहीं वो नहीं पता। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम, ठीक है? तो अगर आप स्टॉप लॉस सही टाइम पे एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा और टाइम के साथ आपके पास कैपिटल भी रहेगी और पैसा कमाने के लिए। थिंक अबाउट दैट। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे, तो इसीलिए बताया कि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है या पैसा, उसको समझो एंड उसके हिसाब से इस रूल को फॉलो करो। बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू से कि आप स्टॉप लॉस लगाना सीख लो, स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप धीरे धीरे अमीर होते हो बट ट्रेडिंग में आप हिरोशिमा या नागासाकी वाले उसकी तरह एक दिन में डिस्ट्रॉय हो जाते हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज एग्जाम्पल्स बिकॉज वो सबको पता है, एंड पता होने के बाद भी अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आपके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है या मनी इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो लाइफ में, ये समझते हो कि टाइम की ज्यादा कीमत है, टाइम रहेगा तो सब कुछ कर पाओगे, तो फिर स्टॉप लॉस लगाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड देन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टॉप लॉस। अब हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, ये वाला मैं डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सबका डिफरेंट अप्रोच है, मेरा भी डिफरेंट अप्रोच है कि कैसे मैं ट्रेल करता हूँ अपने स्टॉप लॉस। कुछ लोग प्राइस एक्शन से ही कर लेते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन से ही स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, कुछ लोग डेटा से करते हैं कि यहाँ पे अब पुट राइटिंग है, सपोर्ट लेगा मार्केट, तो यहाँ पे मैं अपना काट देता हूँ, जो भी मेरी ट्रेड है क्लोज कर देता हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी ट्रेड को काट देते हैं कि मेरा टारगेट अचीव हो गया है तो वाई आई शुड, मतलब कि और क्यों ट्रेल करूँ। तो सबका डिफरेंट अप्रोच है। अब मूविंग एवरेज से भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है। अब मूविंग एवरेज डू नॉट वर्क वेरी वेल इन रेंज बाउंड मार्केट्स, ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत अच्छी काम करती है। अब जैसे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपने लेटर सपोज कि यहाँ पे आपने एक शॉर्ट एंट्री ली मार्केट में। अब अगर आप एक लेस एग्रेसिव ट्रेडर हो, लेस एग्रेसिव, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हो कि मुझे जितना ज्यादा प्रॉफिट एक बार में सेफली मिल सके मैं उतना लेके मार्केट से निकल लूं, तो यूज 9 EMA। 9 EMA से जब तक 9 EMA के नीचे चलता जाएगा मार्केट, आपकी पोजीशन ट्रेल होती जाएगी। जैसे ही ये कैंडल 9 EMA के ऊपर बंद हुई, बुक योर पोजीशन एंड एग्जिट, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो जैसे
they have conviction ki aaj market ka data weak hai and I want to hold my shorts strong. ठीक है, मैं अपने short side की trade को hold करना चाहता हूँ और देर तक, because मुझे लगता है कि market और गिर सकता है. तो for थोड़ा सा जो aggressive trading करते हैं उनको 20 EMA follow करने के लिए मैं अपनी advice दूंगा कि आप 20 EMA follow करो, थोड़ा सा difference आएगा. अब जैसे 9 EMA वाले की exit इस candle पे हो गई थी, तो 20 EMA की exit यहाँ पे जाके होती. ठीक है, ये जैसे ये कैंडल बंद हुई थी यहाँ, ये क्या दो कैंडल यहाँ बंद हो गई थी, तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं. थोड़ा सा ऊपर हो जाती है एग्जिट, और कभी कभार थोड़ा और ज्यादा भी ऊपर हो जाती है. तो अगर थोड़ा एग्रेसिव हो, अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग है एंड यू नो कि ऐसा हो सकता है, चांसेस आर मोर कि मार्केट वापस से नीचे जाएगा, देन यूज 20 EMA. 20 EMA पे एक बार मार्केट डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेता है, जैसे यहाँ पे ली, वापस नीचे आया, फिर बाद में वापस ऊपर चला गया. सो 20 EMA उसे यूज करनी चाहिए जो एग्रेसिव ट्रेडर है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ कम कमा लेंगे लेकिन ट्रेल करेंगे ताकि ज्यादा कमा पाए. और थोड़ा सा जो सेफली एग्जिट करना पसंद करता है, बोला जल्दी से ट्रेंड को राइड करके और एक सही टाइम पे निकल जाऊं, वो 9 EMA यूज करके ट्रेल कर सकते हो. अब दिस वॉज अबाउट एन इंट्राडे पोजिशन, ये मैं एक इंट्राडे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. दिस विल वर्क इन एवरीथिंग, या फिर वो स्विंग हो, या फिर वो पोजिशनल ट्रेड हो, या फिर वो आपकी BTST ट्रेड हो. EMA works in all trades. अब आपको सीखना होगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है. आई एम नॉट मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन EMA एंड ट्रेलिंग प्रोसेस राइट नाउ, बट एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि हाँ 9 EMA और 20 EMA से पोजीशन ट्रेल हो जाती है, कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर. एक 9 EMA 20 EMA लगा लो चार्ट पे, एंड जैसे जैसे इनको यूज करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, और भी कंक्लूजन मिलेंगे EMA से, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी. तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम मंडे, फिर वापस से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा फॉर EMA, एंड उसमें और अच्छे से लर्न करना कि स्विंग ट्रेड्स को कैसे ट्रेल करना है, इसको कैसे करना है, EMA कहाँ पे माननी है कहाँ पे नहीं माननी है. जैसा कि एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि रेंज बाउंड मार्केट में उतनी अच्छी कोई इंपॉर्टेंस EMA की है नहीं, जैसे कि यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यूज करनी आती हो तो है भी. जैसे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे यूज कर सकते थे, जैसे कि ट्रेंड लाइन बनाई, ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था थर्सडे को यहाँ पे बाइंग एंट्री ली थी मैंने, तो ये मैंने 9 EMA से ट्रेल कर लिया. तो ऐसे भी कर सकते हो, रेंज बाउंड में भी हो जाता है ट्रेल, बट ज्यादा देर तक नहीं हो सकता. बाय लो सेल हाई वाली गेम है, तो ऊपर काटना ही पड़ेगा ट्रेड को. तो रेंज बाउंड मार्केट में एक टारगेट प्रेफर करता हूँ मैं, ना कि ट्रेलिंग. सो फॉर दैट ऑल्सो आप EMA तो यूज कर सकते हो आपके ट्रेड को ट्रेल करने के लिए, बट मैटर है कि रेंज बाउंड मार्केट में उतनी ज्यादा काम नहीं करेगी जितनी ट्रेंडिंग में काम करेगी. तो यहाँ पे मैंने आपका डाउट सॉल्व किया हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस का. आप EMA यूज करो, और जैसे जैसे आपको प्राइस एक्शन की और समझ होती जाएगी, आपको ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे अपनी ट्रेड बुक कर लेनी चाहिए, कहाँ पे होल्ड करनी चाहिए, और आपको पता चलता रहेगा कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा. नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कि करोगे तो क्या फायदा है, नहीं करोगे तो क्या होगा. अब इंट्राडे के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंट्राडे में अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ. मतलब इंट्राडे में अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया और बहुत बड़ी आप कैपिटल यूज कर रहे हो अगर इंट्राडे करने के लिए, तो वो जीरो भी हो सकती है. इसलिए ध्यान रखना कि आप इंट्राडे में तो स्टॉप लॉस लगा ही लो. और स्विंग में मैंने आपको बता दिया, स्विंग में माना 10 में से 8 शेयर वापस से ऊपर आ जाते हैं, आपके राइट प्राइस पे वापस मिल जाते होंगे, 800 का 700 के वापस 700 का 800 हो सकते हैं, बट टाइम वेस्ट होगा. टाइम बचाना है और टाइम के साथ पैसा कमाना है तो फिर स्टॉप लॉस फॉलो करो. ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, अब ये कुछ लोगों ने पूछा कि सर मुझे नहीं पता कि ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है. जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम है मेरा ये है, तो ट्रेडिंग सिस्टम में क्या चीज ऐसी होती है. जैसे मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, पैसा नहीं कमा पा रहा, तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या चीज है. तो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ट्रेडिंग सिस्टम गाइस, जैसे कि ये वाली इमेज खोलता हूँ मैं वापस से. अब ट्रेडिंग सिस्टम ये होता है कि जैसे कि लेट अस सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट्स, बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप लोग, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा. मान लो आप
मैन्युफैक्चर करते हो और सेल्स करते हो बिस्किट्स की, तो क्या क्या प्रोसेस होंगे? पहले मैन्युफैक्चर करोगे, पहले मटेरियल्स गैदर करोगे, प्रोडक्ट्स खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग चालू करोगे। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, जो सही आपका प्रोडक्ट सही बन जाएगा, उसको पैक करोगे, पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद अलग अलग सेगमेंट पे जाएंगे, होलसेलिंग होगी, रिटेल स्टोर्स तक जाएगा, फिर लास्ट में कस्टमर तक पहुंचेगा। फिर कस्टमर के बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो जैसे ये एक सिस्टम में काम चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक और कस्टमर के पहुंचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, तो वैसे ही ट्रेडर जो होता है उसकी लाइफ में भी एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है। अब ट्रेडिंग सिस्टम में क्या चीजें आती है? ट्रेडिंग सिस्टम में आता है आपकी स्ट्रैटेजी आती है, कि आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो एंड व्हाट काइंड ऑफ, मतलब आप कितना टाइम फ्री हो। अब जैसे काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनको उतना टाइम नहीं मिलता स्क्रीन पे कि मैं चार्ट्स ट्रैक करता रहूं एंड देखता रहूं कि पोजीशंस में क्या चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिस ट्रेडिंग सिस्टम उसको समझना पड़ेगा कि मैं एंट्री प्राइस एक्शन पे ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस मुझे लगाना पड़ेगा ओवरनाइट ताकि कोई बड़ा लॉस ना हो जाए एंड मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, मैं वापिस मेरी कैपिटल पे दूसरी ट्रेड ले सकूँ। और ये समझना पड़ेगा कि मैं इंट्राडे नहीं कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उसे ट्रैक करने का, तो मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, पोजिशनल ट्रेड करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स करूंगा एंड उस पर रिटर्न्स कमाने की सोचूंगा। अब अगर कोई बंदा है वो स्क्रीन को ट्रैक कर सकता है, रेगुलर स्क्रीन के सामने रहता है, तो उसका ट्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा। वो प्राइस एक्शन फॉलो करेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेगा, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी उसकी होगी उसको फॉलो करेगा, स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली वॉच रखेगा ताकि जैसे ही टारगेट हिट हो काट ले, एस एल हिट हो तो काट ले, तो कट जाए अपने आप एस एल से। तो मतलब ट्रेडिंग सिस्टम इज समथिंग जिसमें बहुत चीजों का कॉन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपके कुछ रूल्स, आपका डिसिप्लिन, आपने जो सीखा है, आपकी कैपिटल के हिसाब से उसका एलोकेशन, कि मुझे इतनी कैपिटल तो इंट्राडे में लगानी है, इतनी कैपिटल मैं बीटीएसटी के लिए यूज करता हूँ, इतनी कैपिटल मैं इन्वेस्ट ही कर दूंगा, इतनी कैपिटल से मैं स्विंग ट्रेड लूंगा, इतनी कैपिटल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। तो एक कैपिटल एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, खुद की रिस्क एपेटाइट को समझना कि अगर मैं इतने की रिस्क लूंगा तो इमोशन स्टेबल रहेंगे, इतने से ज्यादा की ले लूंगा तो इमोशंस ही ऐसे हो जाएंगे कि मैं अपनी ट्रेड खुद ही काट दूंगा। तो ये सब चीजों को समझ के एक कॉन्फ्लुएंस में बिठा के जब एक सिस्टम बनता है, जब रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजी, आपके सारे रूल्स आप कॉन्फ्लुएंस में रखते हो, आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ देखते हो, उसको कॉन्फ्लुएंस में रखते हो, कनेक्शन में लाते हो, तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है जो आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम में आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ये देखो कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी कैपिटल क्या है, आप उसको कितने पार्ट्स में एलोकेट कर सकते हो, अगर कम है तो किस चीज में यूज करो, क्या आपकी एज है मार्केट में, क्या आप किस 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 चीज को करके आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट तरीके से रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हो अपने लिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब ये सब चीजें आप कॉन्फिडेंस में पुट करोगे तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनेगा। सो दिस इज अबाउट ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है? अब लेट मी नो कि व्हाट इज योर ट्रेडिंग सिस्टम, आप स्विंग में एसएल कैसे रखते हो, डू यू फॉलो दैट और नॉट? ऑनेस्टली मुझे कमेंट में लिख के दो कि यस आई फॉलो माय एसएल इन स्विंग ट्रेड्स, इन जो भी मैं होल्डिंग ट्रेड्स लेता हूँ उसमें भी फॉलो करता हूँ, इंट्राडे में भी फॉलो करता हूँ, कोई आपके साथ डिजास्टर हुआ हो लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो, और ट्रेडिंग सिस्टम आपका क्या है वो भी बताओ, शेयर ऑन द कमेंट्स की ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, एंड अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप किस टाइप की ट्रेड्स प्रेफर करते हो, लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल। तो कनेक्ट विद मी इन द कमेंट्स, आई विल आंसर टू योर कमेंट्स एंड रिप्लाई बैक, उधर वी कैन कनेक्ट टुगेदर, एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल वंस अगेन, हैव अ गुड नाइट, एंजॉय योर डे एंड लेट मी नो कि आज आपने क्या क्या मजे किए। ओके, सो थैंक यू गाइस।